भारत में एक ऐसा शहर है जो कि विचित्र जगहों से भरा हुआ है। जी हाँ, ऐसी ऐसी यूनिक जगहें जो आपको कहीं और भारत में देखने को नहीं मिलेंगी, वो आपको देखने मिलती हैं भारत के उड़ीसा शहर में। जी हाँ, उड़ीसा ईस्ट इंडिया का एक ऐसा शहर जो कि सब लोग जानते हैं लेकिन घूमने बहुत कम लोग आते हैं। उड़ीसा में ही है भारत के विष्णु जी के चार बड़े धामों में से एक जगन्नाथपुरी। उड़ीसा में ही है भारत का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने वाला चांदीपुर बीच, जहाँ पे पानी सिर्फ 1 से 2 इंच गहरा होता है, समुद्र में अंदर 5 किलोमीटर तक। उड़ीसा में ही उदयगिरी और चांदीगिरी केव्स है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, और उड़ीसा में ही शायद भारत के सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के शहर उड़ीसा में घूमने के लिए टॉप प्लेसेस टू विजिट। जी हाँ, उड़ीसा की कौन कौन सी जगह है जहाँ घूमना आपको चाहिए, वो जगह कौन कौन सी है, क्या टाइमिंग है, क्या प्राइस है, कब घूमना चाहिए, कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, और इसी के साथ साथ उन जगहों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन जिसके बाद आप दबा सकते हैं घंटे का निशान। अब अपनी वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको उड़ीसा के मैप का एक छोटा सा आइडिया दे देते हैं, क्योंकि उड़ीसा एक बहुत बड़ी जगह है और इसकी सारी टॉप अट्रैक्शंस उड़ीसा में अलग अलग जगह फैली हैं। तो आपको समझाने के लिए हमने इस उड़ीसा के मैप को 6 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें हर हिस्से में हम उड़ीसा की एक सिटी उठाएंगे और उसके आसपास की सारी अट्रैक्शंस आपको उस हिस्से में बताएंगे, जिसमें सबसे पहला होगा पुरी और उसके आसपास की अट्रैक्शंस, दूसरा होगा बालासोर और उसके आसपास की अट्रैक्शंस, तीसरा होगा कटक, चौथा होगा बरबिल और उसके आसपास की अट्रैक्शन, पांचवा होगा बारीपाड़ा और अंत में होगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर और उसके आसपास की अट्रैक्शन। इसी के साथ साथ इन सारे जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप्स के लिंक पे मिलेगी, जिसे क्लिक करके आप गूगल मैप्स से इन सब जगहों के एग्जैक्ट लोकेशन भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहली जगह से, जिसमें हम उठाएंगे पुरी और उसके आसपास के अट्रैक्शन, जिसमें सबसे पहला नंबर है नंबर 1 श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर। गाइस, हमारी सबसे पहली जगह है जगन्नाथ पुरी का सबसे बड़ा मंदिर, जिसे हम जगन्नाथ मंदिर बोलते हैं। यहाँ पर आप कृष्ण जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की 3 मूर्तियों के दर्शन करेंगे। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें बहुत ज्यादा विचित्र हैं। सबसे पहले तो ये कि कहते हैं यहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर कृष्ण जी का असली दिल रखा है। इसी के साथ साथ कहते हैं यहाँ का किचन एशिया का सबसे बड़ा किचन है और यहाँ लाखों लोगों को रोज खाना खिलाया जाता है। कहते हैं यहाँ की मूर्ति, सबसे पहली मूर्ति को डिजाइन खुद विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से किया था, क्योंकि और कोई उस मूर्ति को तराश नहीं पा रहा था, तो इसलिए यहाँ के राजा ने जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ इस मंदिर में स्थापित करवाई। और तब से हर 18 से 19 साल में ये मूर्तियाँ, लकड़ी की मूर्तियाँ बदली जाती हैं, जो कि नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है। जी हाँ, भगवान विष्णु का एक बहुत ही बड़ा धाम है जगन्नाथ पुरी का मंदिर, 4 धामों में एक, भारत का सबसे बड़ा किचन और ऐसी जगह जहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, वो है जगन्नाथ पुरी जी का मंदिर। जगन्नाथ पुरी जी का मंदिर का आर्किटेक्चर उड़िया आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, जिसे देखकर हर कोई अचंभित रह जाता है। इस मंदिर का पूरा क्षेत्रफल है तकरीबन 4 लाख स्क्वायर फीट का, जिसकी आउटर वॉल 2 रेक्टेंगुलर शेप में बनाई गई है। इस मंदिर की आउटर वॉल का नाम है मेघानंद, जो कि तकरीबन 20 फुट ऊंची दीवार है, और दूसरी आउटर वॉल का नाम है कुर्मा बेधा। जगन्नाथ पुरी जी के मंदिर में आपको 4 अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला है विमान, दूसरा है जगमोहन, तीसरा है नाटा मंदिर और चौथा है भोग मंडप। इस मंदिर में सबसे ऊंचा टावर, जो मेन टावर है, उसका नाम है शिखरा। जगन्नाथ पुरी जी के मंदिर में 4 दरवाजे हैं, जिसमें सबसे पहला मेन दरवाजा है लायंस गेट, जिसे बोला जाता है सिंह द्वार, दूसरा है हॉर्स गेट, जिसे बोला जाता है अश्व द्वार, जो कि इस मंदिर के साउथ में पड़ता है। इस मंदिर के वेस्ट दरवाजे को बोला जाता है टाइगर गेट, जो कि है व्याघ्रस्न, और नॉर्थ में पड़ने वाले दरवाजे का नाम है हस्ती द्वार, जो कि होता है एलिफेंट गेट। श्री जगन्नाथ मंदिर की टाइमिंग है 6:00 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक की, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। श्री जगन्नाथ टेम्पल और इस वीडियो में बताई गई हर जगह की लोकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वो लिंक क्लिक करके इन सब जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। नंबर 2 पुरी बीच। तो गाइस, हमारी अगली जगह है पुरी का सबसे सुंदर बीच। जी हाँ, जगन्नाथ पुरी जब आप दर्शन कर लेंगे तो वहाँ से बीच की तरफ चलिए, तो जो सबसे पहला बीच आपको पड़ेगा वो होगा यहाँ का गोल्डन बीच। पुरी का गोल्डन बीच, गोल्डन बीच के नाम से और पुरी बीच के नाम से जाना जाता है। इतना लाइवली, इतना जबरदस्त बीच है ये कि आप मुंबई का मरीन ड्राइव या चौपाटी भी भूल जाएंगे। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए अनलिमिटेड स्टॉल्स मिलेंगे, वाटर स्पोर्ट्स करने को मिलेंगे, और यहाँ पर सैंड स्कल्पचर्स बनाए हुए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। पूरे भारत वर्ष में फेमस है कि बीच पे अगर स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं तो वो बनाए जाते हैं पुरी बीच पे। मजा आ जाएगा भाई। पुरी के सबसे सुंदर बीचेस में से है पुरी बीच, जो कि जाना जाता है गोल्डन बीच के नाम से। भारत के इस हिस्से की सबसे सुंदर कोस्ट लाइन है पुरी के गोल्डन बीच की, जो कि फेस करता है बे ऑफ बंगाल को। ये जगह जगन्नाथ पुरी मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर और कोणार्क सन टेम्पल से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर पड़ती है। गोल्डन बीच का सुंदर सनसेट इस जगह को हॉलीडे मेकर्स के लिए एक आइडियल जगह बनाता है। जितने भी श्रद्धालु जगन्नाथ पुरी के दर्शन करने
में आते हैं वो गोल्डन बीच जरूर होके जाते हैं। शाम के समय आपको गोल्डन बीच पे बहुत ही लाइवली माहौल दिखेगा, जहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्ट्रीट फूड बेचते हुए मिलेंगे। इसी गोल्डन बीच पे आपको सैंड पेंटिंग करते हुए बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट स्कल्पचर बनाते हुए दिखेंगे। ये स्कल्पचर्स यूजुअली इंस्पायर होते हैं जगन्नाथ पुरी के मंदिर की दीवारों से और उनकी मिथिकल स्टोरीज से। पुरी बीच पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 3, नरेंद्र पोखारी। गाइज, ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है नरेंद्र पोखारी। ये जगह उड़ीसा का सबसे बड़े टैंकों में से एक है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ती है। इस जगह की सबसे बड़ी खास बात है कि ये इस जगह का पानी रोड लेवल से तकरीबन 10 फीट नीचे है और इसी लेक के बीचों बीच आप जा सकते हैं चंद्र मंडप देखने के लिए, जो कि इस लेक के बीचों बीच पड़ता है। जो भी टूरिस्ट जगन्नाथ टेम्पल घूमने आते हैं वो इस लेक पे बैठकर काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक अच्छा ब्यूटीफुल समय स्पेंड कर सकते हैं और मछलियों को खाना भी खिला सकते हैं। जगन्नाथ पुरी मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर और जगन्नाथ पुरी के स्टेशन से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है नरेंद्र पोखारी, जिसे हम नरेंद्र टैंक के नाम से भी जानते हैं। नरेंद्र पोखारी टैंक ओडिशा का सबसे बड़ा टैंक है, जो कि है पुरी में घूमने वाली एक मस्ट जगह। ये तालाब या टैंक बनवाया गया था 15वीं सदी में नरेंद्र देव जी के द्वारा और इसी टैंक के बीचों बीच आपको एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा, जिसमें आप चंदना मंडप्पा मंदिर की भी दर्शन कर सकते हैं। नरेंद्र पोखारी टैंक को एक धार्मिक स्थल माना गया है और इसी के चारों तरफ आपको पुरी के काफी सारे मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे। नरेंद्र पोखारी टैंक की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक की और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 4, श्री गुंडीचा टेंपल। गाइस, ये जगह है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है श्री गुंडीचा टेंपल। गुंडीचा टेंपल बनवाया था गुंडीचा महारानी ने, जो कि उन राजा की बीवी थी जिन्होंने सबसे पहली बार श्री जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। गुंडीचा टेंपल श्री जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल पास पड़ता है और इस टेंपल को श्री जगन्नाथ जी की मौसी जी भी कहते हैं, क्योंकि रथ यात्रा के समय 7 दिन तक श्री जगन्नाथ जी इसी मंदिर में आके रखे जाते हैं, ताकि जब तक रथ यात्रा चलती रहे वो यहीं विश्राम करें। जी हाँ, श्री गुंडीचा टेंपल को देखकर आपको कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल दिखाई देगा। इस मंदिर के चारों तरफ आपको 2 दीवारें मिलेंगी जो कि इस मंदिर को प्रोटेक्ट करती हैं, जिसमें सबसे पहली दीवार है तकरीबन 20 फुट ऊंची और 5 फीट चौड़ी। इस मंदिर में भी आपको 4 पार्ट दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला है विमाना, दूसरा है जगमोहन, तीसरा है नाट मंडप और चौथा है भोग मंडप। इस मंदिर के भी 2 दरवाजे हैं, जिसमें वेस्टर्न दरवाजा सबसे मेन गेट है और ईस्टर्न दरवाजा, जिसका नाम है नाकचना गेट। श्री गुंडीचा टेंपल की टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक की है, हालांकि ये टेंपल दोपहर में बंद रहता है और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 5, सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम। ये क्राफ्ट म्यूजियम है, जो कि अगर आप पुरी में घूमने आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं। जगन्नाथ पुरी में जब भी आप घूमने आएंगे तो सिर्फ भगवान के दर्शन के अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उनमें से एक है यहां का एक क्राफ्ट म्यूजियम देखना। ये क्राफ्ट म्यूजियम एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर ने बनवाया था अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर, और यहां पे आज भी आप बहुत सारे जनों को यहां पे क्राफ्टिंग करते हुए देख सकते हैं। आज भी यहां पे एक्टिव क्राफ्टिंग होती रहती है। इसी के साथ साथ इस जगह पर आपको एक जापानी स्टाइल में बसा हुआ एक मंदिर भी दिखेगा, जो कि अपने आप में ही एक साइट है। अगर आप आर्ट के लवर हैं, अगर आप हिस्ट्री के लवर हैं, तो आप सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम आ सकते हैं। सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम पुरी की एक बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन है, जो कि सुदर्शन साहू जी ने एस्टैब्लिश करी थी। इस म्यूजियम में आपको एक बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन मिलेगा स्कल्पचर्स का, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का, स्टोन कार्विंग का और फाइबर ग्लास का। सुदर्शन साहू जी को इंडिया का 2nd highest सिविलियन अवार्ड मिल चुका है 2021 में, जिसका नाम है पद्म विभूषण, और इंडिया का 4th highest सिविलियन अवार्ड पद्मश्री ने मिला था 1988 में। सुदर्शन साहू जी एक नॉन ट्रेडिशनल स्कल्पटर हैं, जिन्होंने इंडिया के स्कल्पचर आर्ट में काफी योगदान किया है। इन्होंने अपने समय में भारत की अलग अलग जगहों पे जाके भारत की असली मतलब को समझा और उसे अपने स्कल्पचर्स में उतारा। 1977 में बाकी स्कल्पचर आर्टिस्ट के साथ उन्होंने मिलके इस सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम का निर्माण कराया। इस म्यूजियम की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कि इसके अंदर एक बुद्धिस्ट टेंपल भी स्थित है, जिसका आर्किटेक्चर जापानी स्टाइल में किया गया है। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक लाइब्रेरी, वर्कशॉप, एक शोरूम और एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, और यहाँ आने की इंडियंस की फीस है 5 रुपए और फॉरेनर्स की फीस है 50 रुपए। नंबर 6, स्वर्ग द्वार बीच। स्वर्ग द्वार बीच पुरी के जगन्नाथ मंदिर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है और इस जगह की ये मान्यता है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से डुबकी लगाने आते हैं, ताकि उनके सारे पाप धुल जाएं। स्वर्ग द्वार बीच पुरी का एक क्रिमेशन ग्राउंड भी है, यानी कि यहाँ पे लोगों के मृत शरीर को अग्नि दी जाती है। अग्नि देने से पहले वह लोग इस स्वर्ग द्वार बीच के पानी से उनके मृत शरीर को नहलाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद क्रिमेशन करने से उन लोगों को सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि श्री चैतन्य देवा जी ने इसी जगह पर स्नान किया था, इसी वजह से यह जगह पूजनीय भी मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप इस जगह पर स्नान करेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। स्वर्ग द्वार बीच पे लोग अपने प्रियजनों का क्रिमेशन कराने भी आते हैं। इसका मतलब ये कि इस बीच पे लोगों के मृत शरीर भी जलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर जिसकी भी चिता को अंतिम आग मिलेगी, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे।
स्वर्ग द्वार बीच पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 7, बेड़ी हनुमान टेम्पल। बेड़ी हनुमान मंदिर जिसे दरिया हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं जो जगन्नाथ जी का मंदिर जगन्नाथपुरी में है उस मंदिर की रक्षा करते हैं बेड़ी हनुमान जी। जी हाँ, सिर्फ मंदिर की नहीं बल्कि पूरे पुरी की रक्षा करते हैं समुद्र से बेड़ी हनुमान जी। कहते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी को बेड़ी में बांधा हुआ है ताकि वो यहाँ से जाए ना और पूरे समय पुरी की रक्षा करते रहे। इसी के पीछे एक बहुत ही फेमस पौराणिक कथा भी मशहूर है कि एक बार हनुमान जी को जिन्हें पुरी की रखवाली का भार सौंपा गया था समुद्र से, वह बिना बताए एक बार पुरी छोड़ के चले गए और जिसकी वजह से जब वह वापिस आए तब पुरी पूरा का पूरा पानी में डूब चुका था। तो यहाँ भविष्य में पुरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को यहाँ जंजीरों में बांध दिया ताकि वह फिर से पुरी छोड़ के ना जा पाए। आज के समय आप इस मंदिर में हनुमान जी की जिस प्रतिमा की पूजा करते हैं, उन्होंने अपने सीधे हाथ में गदा पकड़ रखा है और अपने उल्टे हाथ में पकड़ रखा है एक लड्डू और आप देख पाएंगे कि वह प्रतिमा जंजीरों में बंधी हुई है। इस मंदिर की दीवारों में आपको गणेश भगवान, अंजना माता और बाकी गॉडेसेस की भी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। बेड़ी हनुमान मंदिर जी की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की और यहाँ आने की एंट्री फीस है 5 रुपए। नंबर 8, चिलिका लेक। चिलिका लेक उड़ीसा का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है जिसे हम बे ऑफ बंगाल का शैलो लगून भी कह सकते हैं। पुरी के खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चिलिका लेक। 1981 में चिलिका लेक भारत का पहला वेटलैंड माना गया था जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काफी इम्पोर्टेंट माना गया है। चिलिका लेक का इकोसिस्टम बहुत सारे इंटरनेशनल बर्ड्स को भी माइग्रेट करने के लिए मदद करता है। हर साल यहाँ पे देश के बाहर से काफी सारी चिड़ियाएं पलायन करके आती हैं। 1985 और 1987 में होने वाला एक जूलॉजिकल सर्वे में पता चला था कि चिलिका लेक में तकरीबन 800 से ज्यादा स्पीशीज सर्वाइव करती हैं और इस लिस्ट में भारत के काफी रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज भी शामिल हैं। चिलिका लेक में तकरीबन 52 नदियों का पानी आता है जो कि वापस जाके मिल जाता है बे ऑफ बंगाल में। चिलिका लेक का एरिया तकरीबन 1165 स्क्वायर किलोमीटर का है और गर्मियों में ये एरिया तकरीबन 900 स्क्वायर किलोमीटर का हो जाता है। चिलिका लेक से जो बे ऑफ बंगाल को कैनाल कनेक्ट करता है उसकी चौड़ाई है तकरीबन 1.5 किलोमीटर और लंबाई है तकरीबन 32 किलोमीटर। चिलिका लेक पुरी से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है जिसे कवर करने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं और अगर आप चिलिका लेक घूमने जाएंगे तो आप अपने लिए एक पूरा दिन सेपरेट करके रखिएगा क्योंकि वहां जाकर बोटिंग कर वापस आने में आपको पूरा एक दिन लग सकता है। चिलिका लेक में बोटिंग के कई सारे पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 3 घंटे से शुरू होकर 5 से 6 घंटे तक की बोटिंग पैकेजेस होते हैं और इसी लेक पे आप देख सकते हैं मछलियों की काफी सारी प्रजातियां जिसमें डॉल्फिन्स भी इंक्लूडेड हैं। चिलिका लेक वैसे तो एक लेक है जो कि पूरे टाइम खुला होता है लेकिन यहाँ पे बोटिंग की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की और उसी बोटिंग का पैसा आपको अलग अलग राइड्स के हिसाब से देना पड़ेगा जिसमें 1.5 घंटे की बोटिंग 700 रुपए से शुरू होकर 7 घंटे की बोटिंग तक के प्राइसेस हैं जो कि है 2500 रुपए। यहाँ की लोकेशन भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिले। नंबर 9, अथर नाला ब्रिज। गाइस ये जगह है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है अथर नाला ब्रिज। 13वीं सदी के भानुदेव जी ने बनवाया था अथर नाला ब्रिज जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अथर नाला, अथर एक उड़िया वर्ड है जिसका मतलब होता है 18। 18 अलग अलग तिल्लियों को जोड़ के ये ब्रिज बनाया गया था और उस समय का एक इंजीनियर मार्वल हुआ करता था। आज के समय में इस ब्रिज को गाड़ियों के लिए रोक दिया गया है और इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाकर सिर्फ लोग इसमें पैदल चल सकते हैं। उस जमाने की ये ब्रिज अकेला था जिसको पार करके लोग पूरी पहुंच सकते थे और जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते थे। अथर नाला ब्रिज जिसका मतलब दो भागों में डिवाइडेड है, अथर मतलब 18 और नाला मतलब पैसेज। तो वो ब्रिज जो कि 18 ईटों के बने पैसेज को मिलाकर एक पुल बनाता है उसे बोलते हैं अथर नाला ब्रिज। 13वीं सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के भानु देव जी ने यह ब्रिज बनवाया था मूसा नदी के ऊपर जिससे लोग पुरी के शहर में एंट्री कर सकते थे। जी हाँ, 13वीं सदी का यह एक इंजीनियरिंग मार्वल था जो कि उस समय बनवाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसमें ईटों के 18 अलग अलग पैसेज को मिलाकर एक ब्रिज बनाया गया है जिससे लोग मूसा नदी पार करते थे। उस समय का अगर उड़ीसा का सबसे बड़ा एंशिएंट मार्वल बोला जाए तो गलत नहीं होगा। उस समय ये जगह एक गेटवे थी उड़ीसा की सबसे खूबसूरत सिटी पुरी की और जो भी लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने आते थे वह इस अथर नाला ब्रिज से होके जरूर जाते थे। इस ब्रिज की कुल लंबाई है तकरीबन 85 मीटर और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 11 मीटर। अथर नाला ब्रिज पूरे समय खुला होता है और इसे देखने की कोई फीस नहीं है। नंबर 10, कोणार्क सन टेम्पल। गाइस हमारी अगली जगह है पुरी से सिर्फ 1 घंटा और 50 किलोमीटर दूर पड़ने वाला ये कोणार्क सन टेम्पल। जी हाँ, कोणार्क सन टेम्पल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पुरी के आसपास पड़ने वाली टॉप प्लेसेस टू विजिट में इसका नाम जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई कोणार्क सन टेम्पल इतना पुराना है कि ये 13वीं सदी में बनवाया गया था गंगा डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा देवा के द्वारा और इसकी सबसे खास बात ये है कि ऐसा कहा जाता है कि सूरज जब यहाँ पे उगता है तो वहाँ की सबसे पहली किरण इस सूर्य मंदिर में रखे अष्ट धातु की मूर्ति पे पड़ती थी
और इस मंदिर के सामने खड़े होके जब कोई भी वो अष्ट धातु की मूर्ति देखता था तो ऐसा लगता था कि सूरज जो है इस सूर्य मंदिर के अंदर से उदय हो रहा है, क्योंकि वो सन की फर्स्ट एक रिफ्लेक्शन उस मूर्ति में पड़ के आपकी आंखों में पड़ता था और वो इतना जबरदस्त होता था कि इस मंदिर का नाम तभी से सन टेंपल पड़ चुका है। हालांकि ये मंदिर आज के समय में बहुत ज्यादा जगहों से नष्ट हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे भगवान की पूजा नहीं होती, लेकिन क्योंकि इस मंदिर का निर्माण कराते समय यहाँ पे 1200 वर्कर लगे थे और 12 साल लगे थे इस मंदिर के निर्माण को, और उन्होंने ऐसी ऐसी नकाशी इस मंदिर के चारों तरफ करी थी जिन्हें आप आज भी देख के एकदम चकित रह जाएंगे। इसलिए अगर पूरी आ रहे हैं तो कोणार्क सन टेंपल जरूर देखें। जी हाँ, कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना और बहुत ही भव्य है। 13वीं सेंचुरी में बनाया गया यह कोणार्क का सूर्य मंदिर आज भी शान से कोणार्क की गाथा गाता है। कोणार्क का मतलब दो भागों में बांटकर ही समझ आ सकता है, जिसमें कोना का मतलब है कॉर्नर और आर्क का मतलब है सूर्य। तो जो सूर्य किसी कोने में उदय होता है उस जगह को कोणार्क कहते हैं, क्योंकि उस समय इस मंदिर के अंदर एक अष्ट धातु की मूर्ति पड़ी थी जिसमें सूर्य की पहली किरण रिफ्लेक्ट होती थी और ऐसा लगता था कि सूरज कोणार्क मंदिर के अंदर से उदय हो रहा है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जिस पत्थरों और लोहे से हुआ था ऐसा माना जाता है कि उसमें कभी जंग नहीं लग सकता। यहां तक कि जब भी आप कोणार्क मंदिर घूमने आएंगे यहां पर आप वो लोहा अलग से रखा देखेंगे जिससे इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। वह लोहा आज भी खुले में रखा है और वह लोहा कभी भी जंग नहीं खाता। 13वीं सदी की वो टेक्नोलॉजी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी फेल कर देती है। कोणार्क सन टेंपल की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक की और यहाँ की एंट्री फीस है 40 रुपए इंडियंस के लिए और 600 रुपए फॉरेनर्स के लिए। अब सेकंड पार्ट में हम जानेंगे बालासोर और उसके आसपास के अट्रैक्शंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 11 पंचलिंगेश्वर टेंपल। गाइस, हमारी अगली जगह है उड़ीसा के बालासोर के पास बसा पंचलिंगेश्वर टेंपल। पंचलिंगेश्वर का मतलब पांच लिंग, यानी कि शिवजी के पांच शिवलिंग। कहते हैं इन शिवलिंग की स्थापना की गई थी खुद माता सीता जी के द्वारा जब वह राम जी के साथ अपने वनवास काट रही थी। नीलगिरी पहाड़ों में बसा ये पंचलिंगेश्वर टेंपल पे आने के लिए आपको तकरीबन 200 से 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तभी आप यहां के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि अगर आपको यहां पे पांचों शिवलिंग के दर्शन करने हैं तो चार शिवलिंग के दर्शन तो आपको आसानी से हो जाएंगे, लेकिन पांचवें शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आपको यहाँ के बहते हुए झरने के अंदर जाकर उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। जी हाँ, पंचलिंगेश्वर मंदिर के पांच शिवलिंग के दर्शन करना अपने आप में ही बहुत पूजनीय माना जाता है। उड़ीसा के नीलगिरी पहाड़ों में बसा पंचलिंगेश्वर टेंपल आप पहुंच जाएंगे तकरीबन 250 से 300 सीढ़ियां चढ़कर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनवाया गया था 7वीं सदी में और इस मंदिर की नकाशी सुंदर आर्किटेक्चर आपको यहाँ के कल्चर का रिच हेरिटेज बताएगा। पंचलिंगेश्वर मंदिर की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 12 इमामी जगन्नाथ टेंपल। गाइस, जो अगली जगह आप उड़ीसा में घूम सकते हैं वो है उड़ीसा के 1200 से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर इमामी जगन्नाथ टेंपल। इमामी जगन्नाथ टेंपल बताया जाता है कि उड़ीसा की पुरी में बसा जगन्नाथ टेंपल का हूबहू रेप्लिका है, जिसमें आप कोणार्क में बसा सन टेंपल के रथ के पहिए भी देख सकते हैं। इमामी जगन्नाथ टेंपल देखकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि जगन्नाथ भगवान एक रथ पे सवार है और इस पूरे टेंपल की कार्विंग जो की गई है वो भी सन टेंपल से इंस्पायर होकर ही की गई है। तकरीबन 2 एकड़ में फैला लश ग्रीन गार्डन से घिरा है इमामी जगन्नाथ टेंपल। यहां आने की कोई फीस नहीं है और इस जगह को घूमने में आपको तकरीबन 1 घंटा लग सकता है। अगर आप पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं और चाहते हैं शांति से थोड़ी देर के लिए कहीं बैठना तो आप आ सकते हैं इमामी जगन्नाथ टेंपल। जी हाँ, उड़ीसा के बालासोर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर बसा है 12 एकड़ में फैला ये इमामी जगन्नाथ टेंपल। इस मंदिर में पूजा की जाती है भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा जी की। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर का हूबहू रेप्लिका बना हुआ है, जो कि ऐसा लगता है कि रखा गया है 16 पहियों के रथ पर। पद्म विभूषण विजेता महोपात्रा जी के हिसाब से ऐसा लगता है कि भगवान जगन्नाथ खुद इस रथ पर सवार हैं। इस मंदिर की ऊंचाई तकरीबन 78 फुट की है, जो कि बनवाया गया था इमामी ग्रुप के द्वारा 2009 में। इमामी जगन्नाथ मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक और यहां आना भी बिल्कुल फ्री है। नंबर 13 चांदीपुर बीच। गाइस, हमारी अगली जगह है उड़ीसा के सबसे विचित्र जगहों में से एक, ये जगह है चांदीपुर बीच। चांदीपुर बीच उड़ीसा का सबसे अलग और डिफरेंट बीच है। किसी भी बीच में आप जाते हैं आप क्या करते हैं, आपके सामने रेत होता है और होता है पानी और आप पानी में जाके गोते खा सकते हैं और ज्यादा अंदर चले जाएं तो डूब जाते हैं। लेकिन चांदीपुर बीच में समुद्र का पानी सिर्फ 2 से 3 इंच ऊंचा है। जी हाँ, अगर आप उसके पानी में जाएंगे तो आपके सिर्फ पांव डूबेंगे और इतना पानी समुद्र के तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर अंदर तक इतना ही पानी है। मतलब कितनी भी आगे चले जाएं आप डूब नहीं सकते, लेकिन हाई टाइड्स के समय ये पानी ऊपर आ जाता है, इसलिए पूरे दिन नहीं बल्कि दिन के कुछ ही समय ये पानी इतना सा रहता है। चांदीपुर बीच उड़ीसा के बालासोर इलाके में पड़ता है और यहाँ का सबसे फेमस बीच है चांदीपुर बीच। इनफैक्ट ये बीच इतना अद्भुत है कि पूरे इंडिया में ऐसा दूसरा बीच है ही नहीं। जी हाँ,
बे ऑफ बंगाल का शायद सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत बीच है चांदीपुर बीच। चांदीपुर बीच के चारों तरफ आपको कोकोनट और पाम ट्रीज के बहुत सारे पेड़ दिखेंगे और वो इस जगह की खूबसूरती डबल कर देते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग सिर्फ रिलैक्स करने और यहाँ की खूबसूरती का मजा लेने आते हैं। चांदीपुर बीच घूमने का सबसे बेहतरीन समय है नवंबर से लेके अप्रैल तक का। ये बीच पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है। नंबर 14, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गाइस हमारी अगली जगह है उड़ीसा के बारासोर के पास बसा कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाई 272 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा की बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पे आज के समय के काफी रेयर स्पीशीज रहते हैं, जैसे इंडियन टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, जाइंट स्क्यूरल एंड संबर। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1984 में बनवाया गया था और ये नॉर्थ से नीलगिरी फॉरेस्ट के पास है और नॉर्थ ईस्ट से मयूरभंज फॉरेस्ट के पास है। इस जगह पर आपको काफी सारी वेराइटीज और स्पीशीज की बर्ड्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे हॉर्नबिल, हिल माइना और पिफाउल। कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक खुला होता है और यहाँ की एंट्री फीस है 200 रुपए पर पर्सन। नंबर 15, चंदनेश्वर टेंपल। गाइस हमारी अगली जगह है उड़ीसा के बालासोर में पड़ता चंदनेश्वर टेंपल। चंदनेश्वर टेंपल जो है वो डेडिकेटेड है शिवजी महाराज को और हर साल यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ के दर्शन करने आते हैं। हालांकि वैसे तो यहाँ पे हर रोज भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है महाविष्णु संस्कृति डे पे और चदक के मेले के दिन। ये पूरा मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चर के डिजाइन में बना हुआ है और ये बना हुआ है पूरा व्हाइट मार्बल से। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर जिन शिवजी की प्रतिमा की पूजा होती है वो अपने आप उत्पन्न हुई थी धरती से, और इसी के बाहर आपको नंदी जी की काले पत्थर से बनी हुई प्रतिमा भी दर्शन करने को मिलेगी। इस मंदिर में ऑर्गेनाइज किया जाता है महावैष्णवा संस्कृति डे, जो कि ऑर्गेनाइज होता है उड़िया कैलेंडर के हिसाब से उसके पहले दिन पे। ये दिन पड़ता है तकरीबन 14 अप्रैल के आसपास और इस दिन इस मंदिर में हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। इस समय इस जगह पर चैत्रा मेला भी लगता है, जो कि तकरीबन 12 से 13 दिन लंबा मेला होता है और इस समय इस मंदिर के दर्शन करना बहुत पूजनीय माना जाता है। चंदनेश्वर मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 16, खीरा छोरा गोपीनाथ टेम्पल। गाइज हमारी अगली जगह है उड़ीसा के बालासोर में खीरा छोरा गोपीनाथ टेम्पल। ये टेम्पल डेडिकेटेड है विष्णु जी को और विष्णु के भक्तों के लिए ये जगह दर्शन करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। इस मंदिर की काफी सारी पौराणिक कथाएं मशहूर हैं, जिनमें से एक ये है कि राधा जी ने कृष्ण जी को किसी और गोपी के साथ रासलीला रचाते हुए इसी मंदिर में पकड़ लिया था, जिसकी वजह से राधा जी कृष्ण जी से नाराज होकर चली गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण हुआ था 12वीं सदी में और इस मंदिर को रेनोवेट करवाया गया था 17वीं सदी में। यह मंदिर एक 2 मंजिला इमारत है, जिसकी ऊपरी मंजिल पे आपको दर्शन करने को मिलेगा गरुड़ा स्तंभ के और विष्णु जी के, और इसकी निचली मंदिर में आपको दर्शन करने को मिलेंगे राधा कृष्ण के, जगमोहन जी के, मंडन मोहन के और लक्ष्मी नारायण के। इस मंदिर के कॉम्प्लेक्स के बाहर आपको शिवलिंग के दर्शन करने को भी मिलेंगे। इसी के साथ साथ यह मंदिर चारों तरफ से देखने में भी बहुत खूबसूरत है। खीरा छोरा गोपीनाथ टेम्पल की टाइमिंग है सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और फिर दोपहर 4 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक, और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 17, तालासारी उदयपुर बीच। गाइस हमारी अगली जगह है उदयपुर का तालासरी बीच। तालासरी बीच उदयपुर का अगर सबसे सुंदर बीच बोला जाए तो गलत नहीं होगा। इस बीच में आपको पाम ट्रीज पूरी एक लाइन में दिखाई देंगे। ये बीच इतना सुंदर है कि इसका नाम ही तालासरी इसकी सुंदरता की वजह से पड़ा है, जिसमें ताला मतलब होता है पाम ट्री और सरी मतलब होता है रो। इसका मतलब ये कि इस बीच पे पाम ट्री की पूरी लाइन आपको दिखाई देगी और यही इस बीच को इतना खूबसूरत बनाती है। ताल का मतलब रिदम भी होता है और ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कहते हैं यहाँ की जो समुद्र की लहरें हैं वो जब आपको सुनाई देंगी तो आपके कान में एक ताल की तरह बजेंगी, इसीलिए शायद इस बीच का नाम तालासरी बीच पड़ा है। उदयपुर का ये तालासरी बीच इतना खूबसूरत बीच है कि शायद अभी दुनिया की नजरों से बचा हुआ है। यहाँ का बहता हुआ शांत पानी आपको मजबूर कर देगा अपनी शाम यहाँ बिताने के लिए। बहुत लोग यहाँ सिर्फ शांति से यहाँ का सनसेट देखने आते हैं, इसलिए अगर आपको पीस और सीरिनिटी की जरूरत है तो आप आ सकते हैं तालासरी उदयपुर बीच। इस बीच पे आप कभी भी आ सकते हैं और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 18, ब्लू लेक। गाइज हमारी अगली जगह है उड़ीसा में मीतापुर का ब्लू लेक। जी हाँ, मीतापुर का ब्लू लेक एक मैनमेड लेक है जिसका पानी बिल्कुल नीला है। जी हाँ, एक लेक होने के बाद इसका पानी इतना नीला कैसे है, ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं की गई है। मीतापुर का ब्लू लेक उड़ीसा के नीलगिरी पहाड़ों के पास पड़ता है और ये जगह आपकी इवनिंग और मॉर्निंग स्पेंड करने के लिए बहुत जबरदस्त है। अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं तो मीतापुर के ब्लू लेक में आपको बहुत मजा आने वाला है। ये जगह मिनी तपंग के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये एक मैनमेड लेक है जो कि माइनिंग के बाद बनवाया गया था। इस लेक में पानी पूरे साल रहता है और ये जगह पंचलिंगेश्वर मंदिर से बहुत पास पड़ती है। ब्लू लेक पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। अब थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कटक और उसके आसपास के अट्रैक्शंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 19, बारावती कटक फोर्ट। गाइस हमारी कटक की अगली जगह है बारावती कटक फोर्ट। ये फोर्ट 10वीं सदी का फोर्ट है जो कि कटक में आज भी मौजूद है। हालांकि इस फोर्ट के अंदर काफी सारी चीजें अब नहीं रही, लेकिन इस फोर्ट का मेन गेट और यहाँ की आज भी इस फोर्ट में रुइंस में दिख सकती है। इस फोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कटक
कटक का फेमस म्यूजियम ऑफ जस्टिस और इसी कोर्ट के बगल में है यहाँ का बरावती स्टेडियम जो कटक का सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। इस फोर्ट को बनवाया था मराकटा केशरी ने जो कि केशरी डायनेस्टी के राजा थे। और अगर आप कटक घूमने आ रहे हैं तो ये फोर्ट भी बढ़िया जगह होगी देखने के लिए। जी हाँ, इतिहास ये कहता है कि बरावती कटक फोर्ट का निर्माण शुरू हुआ था 1989 एडी में, जिसे शुरू करवाया था राजा मराकटा केशरी ने। ये काम उन्होंने तब शुरू करवाया जब वो महानदी की पानी की बाढ़ से कटक को बचाना चाहते थे, इसलिए नदी की तरफ दीवार का निर्माण करा रहे थे। फिर 14वीं सेंचुरी में मुकुंददेव हरिचंदन ने यहाँ 9 मंजिला ऊंची इमारत बनवाई जो कि चालुक्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बाद ये पता चला कि ये महल एक रेक्टेंगुलर शेप का था जिसके चारों तरफ सैंडस्टोन की दीवार बनी थी। ऐसा माना जाता है कि ये महल 102 एकड़ में फैला हुआ था और इसके प्रोटेक्शन के लिए 20 यार्ड लंबी दीवारें इसके चारों तरफ खींची गई थी। बरावती कटक फोर्ट पूरे दिन खुला होता है और क्योंकि ये एक पब्लिक एरिया है इसलिए यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 20 कटक चंडी टेम्पल, ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है कटक चंडी टेम्पल। कटक चंडी टेम्पल में जिन गॉडेस की पूजा होती है वो है चंडी माता और इन्हें यहाँ पर कटक चंडी नाम से ज्यादा जाना जाता है। कटक चंडी टेम्पल बसा है महानदी के बैंक्स के ऊपर और यहाँ पे दुर्गा पूजा और काली पूजा के समय सबसे ज्यादा भीड़ होती है। कटक के लोग आज भी ये मानते हैं कि कटक चंडी टेम्पल की माता अभी भी जीवित है और वो ही कटक की रक्षा कर रही है। कटक चंडी टेम्पल देखने पे आपको एंशियंट आर्किटेक्चर की झलक नहीं आएगी। ये बहुत ही कलरफुल टेम्पल है जिसकी एंट्री पे आपको दो शेर दिखेंगे जो इस टेम्पल की रक्षा करते हैं। कटक चंडी मंदिर के पीछे की कहानी भी बहुत ही विचित्र है। कहते हैं कि गजापति डायनेस्टी का जब यहाँ पे रूल था तब उस समय के लोग चंडी देवी को अपनी कुल देवी मानते थे। उस समय एक नॉन हिंदू राजा ने इस जगह पर हमला किया और गजापति डायनेस्टी के राजा उनसे हार गए। तब इसी जमीन पे अपनी कुल देवी चंडी देवी की मूर्ति यहीं इसी जमीन में गाड़ दी और भाग कर पुरी चले गए। काफी साल बीत गए और वह राजा इस मूर्ति के बारे में भूल गए। फिर काफी सालों बाद एक पंडित यहाँ से गुजर रहे थे जो आराम करने के लिए एक सूखी मिट्टी के पहाड़ के ऊपर बैठ गए। उसी रात उनको सपना आया और उनके सपने में चंडी देवी ने कहा कि मुझे जमीन से बाहर निकालो। तब जाकर उस पंडित ने राजा को अपना सपना बताया और राजा ने अपनी पूरी सेना भेज दी वहाँ खुदाई करने के लिए। खुदाई में चंडी देवी की मूर्ति बाहर आई और तभी से यहाँ पे कटक चंडी का मंदिर स्थापित हो गया। कटक चंडी टेम्पल की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 21 नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम। गाइस, हमारी अगली जगह है कटक की बहुत ही फेमस जगह। ये जगह है सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस। जी हाँ, अगर आप कटक घूमने आ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जो हमारे सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर थे उनका जन्म हुआ था कटक में। इसी जगह पर उनका जन्म हुआ था और जहाँ उनका जन्म हुआ था उस जगह का नाम है जानकीनाथ भवन जो कि उनके फादर का नाम भी था। आज उनका घर एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और आप इस म्यूजियम में सिर्फ 10 रुपए की फीस देकर अंदर जाके जान सकते हैं सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जो कि इतने बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उनकी जीवनी कैसी थी, कहाँ पैदा हुए, उसके बाद कैसे वो फ्रीडम फाइटर बने, कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत को आजाद कराने के लिए फाइट करा, और ये सब आपको इस म्यूजियम में आके पता चल सकता है। इसलिए अगर कटक घूमने आ रहे हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये म्यूजियम जरूर देखें और यही है उनकी बर्थ प्लेस। जी हाँ, हम सबको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे और उनके पिताजी जानकीनाथ जी ने ये घर यहाँ बनवाया था। नेताजी का जन्म हुआ था 1897 में और उनके 8 भाई और 6 बहनें थी। उनका इतना बड़ा परिवार होने की वजह से ही उनके पिताजी ने यह घर यहाँ बनवाया। इसी घर में नेताजी का जन्म हुआ और यहीं पर उन्हें बड़ा किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही इंडिया को फ्री करने का मूवमेंट ज्वाइन किया और INA को फाउंड किया जो कि थी इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे आजाद हिंद फौज भी कहा जाता था। वह इस आर्मी को बुर्मा, जापान, रशिया और अंडमान आइलैंड से कंट्रोल करते थे। इस म्यूजियम में आपको वर्ल्ड वॉर 2 में INA का कंट्रीब्यूशन के बारे में भी पता चलेगा। इस म्यूजियम के अलग अलग कमरों में आपको नेताजी के जीवन के अलग अलग चैप्टर्स के बारे में पता चलेगा कि कैसे उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की ये जंग शुरू करी और कैसे वह इसी वजह से जेल गए और कैसे उनकी मृत्यु हुई। नेताजी के इसी म्यूजियम में आपको पुराने जमाने के फर्नीचर और आर्टिफैक्ट्स रखे मिलेंगे जिन्हें नेताजी की फैमिली यूज किया करती थी। नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक और यहाँ पे इंडियंस के लिए एंट्री फीस है 10 रुपए और फॉरनर्स के लिए है 20 रुपए। नंबर 22 डियर पार्क। गाइस, हमारी अगली जगह है ये कटक का डियर पार्क। डियर पार्क मतलब हिरणों का पार्क। जी हाँ, इस पार्क में आपको बहुत सारे हिरण दिखाई देंगे। कटक के मधुसूदन एरिया में पड़ता है कटक का ये डियर पार्क जो कि यहाँ की सिल्वर सिटी भी मानी जाती है। कहते हैं कि जब ये डियर पार्क शुरू हुआ था तो यहाँ पे सिर्फ 5 डियर आए थे, लेकिन उसके बाद उनको ब्रीड कराते कराते अब यहाँ पे 250 से ज्यादा डियर है जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं कभी भी जब भी आप कटक घूमने आए। हालांकि इसके
अंदर जाने की कोई टिकट नहीं है, फीस नहीं है और आप अंदर भी नहीं जा सकते, लेकिन ये डियर पार्क इस तरीके से बनाया कि इसके चारों तरफ घूमते घूमते आप बहुत सारे सुंदर डियर वहाँ पर देख सकते हैं। 1981 में बनवाया गया था ये डियर पार्क और आज कटक की टॉप प्लेसेस टू विजिट में इसका नाम होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये डियर पार्क कटक की एक बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप चारों तरफ से देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन सुंदर हिरणों को देखना आपके पूरे दिन की थकान जरूर मिटा देगा। डियर पार्क में कई सारे हिरण आप चारों तरफ से देख सकते हैं, हालांकि इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है, ना ही इन हिरणों को देखने की कोई टिकट्स है, इसीलिए शायद ये डियर पार्क काफी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है क्योंकि आप नेचुरली कटक में चलते फिरते इन डियर्स को देख सकते हैं। डियर पार्क पूरे दिन खुला होता है और यहाँ पे डियर्स देखना बिल्कुल फ्री है। नंबर 23, धवलेश्वर टेम्पल। गाइस, ये है हमारी अगली जगह। इस जगह का नाम है धवलेश्वर महादेव टेम्पल। कटक से तकरीबन 27 किलोमीटर दूर महानदी के ऊपर पड़ता है एक आइलैंड। उस आइलैंड पे है ये धवलेश्वर टेम्पल और इसको इसमें पहुंचने के लिए आपको एक नदी पार करनी पड़ती है जिसके ऊपर एक फुटओवर ब्रिज बना हुआ है जिसको पार करके आप इस मंदिर तक आ सकते हैं। वो फुटओवर ब्रिज कभी कभी बंद होता है तो इसलिए एक नया ब्रिज बना दिया है जिसको पार करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। तकरीबन हर समय यहाँ पर भीड़ रहती है। जो प्रेजेंट टेम्पल है उसको बनवाया था वीर किशोर जी ने जो कि खुर्दा डायनेस्टी के थे और ये बनवाया गया था 12वीं सदी में, बट भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस टेंपल को बहुत बार रिनोवेट किया है। इस टेंपल की एक बहुत ही मशहूर स्टोरी है जो कि अब हम आपको बताते हैं। जी हाँ, धवलेश्वर महादेव मंदिर की कहानी बहुत ही विचित्र है। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक चोर था जिसने एक काली गाय का बछड़ा चुरा लिया। उसकी इस चोरी की वजह से उस गांव के लोग उस चोर को मारने के लिए पूरा गुट बना के चोर के पीछे चल दिए। चोर भागते भागते इस नदी के द्वीप में आ पहुंचा जहां पे धवलेश्वर महादेव का मंदिर है। इस आइलैंड में पहुंच के चोर छुप गया और सारे गांव वाले उस नदी के बगल में चोर के बाहर आने का इंतजार करते रहे। चोर ने डर के मारे महादेव का नाम दिल से पुकारा और महादेव ने खुश होकर उसे गांव वाले से बचाने के लिए आ गए। महादेव ग्वाले का रूप लेकर आए और गांव वाले से बोला कि तुम किसे मारने खड़े हो। गांव वाले ने बोला कि एक चोर काला बछड़ा लेकर अंदर छुपा है। महादेव ने उन्हें कहा कि वो काला नहीं सफेद बछड़ा है और अगर वो सफेद बछड़ा हुआ तो तुम चोर को जाने दोगे। महादेव की कृपा से उस काले बछड़े का रंग उस दिन सफेद हो गया और उसी दिन से चोर ने ठान ली कि वह चोरी छोड़ के अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा में समर्पित कर देगा। तभी से इस जगह पर धवलेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थित है। धवलेश्वर महादेव मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 24, नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क। जगह है ये नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क। भाई, उड़ीसा में COVID-19 की वजह से बहुत ज्यादा पेंडेमिक में असर पड़ा था, टूरिस्ट बहुत कम हो गए थे, लेकिन जब से नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क कोविड के बाद खुला है तब से इसमें भीड़ का आना जाना लगा ही है। इस पार्क की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे जानवरों के साथ साथ आपको क्रोकोडाइल भी देखने को मिलेंगे बहुत सारी किस्म के। प्लस इस जूलॉजिकल पार्क से आपको जो नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क कटक से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है और इसी के बगल में आपको मिलेगा यहाँ का बोटेनिकल गार्डन, स्टेट बोटेनिकल गार्डन। तो ये दोनों के बीच में एक रोपवे से कनेक्शन भी है। जी हाँ, एक ट्रॉली से कनेक्शन भी है। ये इन दोनों पार्कों की स्पेशलिटी बढ़ा देता है। जी हाँ, नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क कटक का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी आप कभी नहीं भुला पाएंगे। कटक और भुवनेश्वर से यहाँ के रेजिडेंट्स भी हर वीकेंड इस जूलॉजिकल पार्क को घूमने आते हैं। नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क के डेप्यूटी डायरेक्टर संजीत कुमार जी का ये कहना है कि ये पार्क टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही फन फील्ड एक्टिविटीज ऑफर करता है। नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क में आने के लिए आप यहाँ की लोकल बस या लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी यूज कर सकते हैं। इस पार्क में छुट्टियों के दिन काफी भीड़ रहती है, हालांकि यहाँ पार्किंग की सुविधा भी आपको अवेलेबल मिलेगी। नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और यहाँ आने की एक जने की फीस है ₹50 फॉर इंडियंस और ₹100 फॉर फॉरनर्स। नंबर 25, स्टेट बोटानिकल गार्डन। गाइस, हमारी अगली जगह है कटक की सबसे सुंदर जगह, ये है यहाँ के स्टेट बोटानिकल गार्डन। अब आप बोटानिकल गार्डन नाम सुन के आपको लगा होगा एक गार्डन है जिसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स बटरफ्लाई होंगे, लेकिन ऐसा बोटानिकल गार्डन ये बिल्कुल नहीं है। ये बोटानिकल गार्डन पूरे नंदन कनन सेंचुरी में फैला हुआ है और यहाँ का सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लेके अंदर जा सकते हो। जी हाँ, ये बोटानिकल गार्डन इतना बड़ा है, इसमें आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि आप पैदल ये पूरा कवर कर ही नहीं सकते। इट इज जस्ट लाइक एक पूरी की पूरी पहाड़ी और पूरा लैंडस्केप एक ही बोटानिकल गार्डन ने ले लिया है। इसके अंदर आपको बहुत ही सुंदर लेक, एक बच्चों का चिल्ड्रंस पार्क, बटरफ्लाई पार्क, एक ग्लास हाउस, एक ग्रीन हाउस और ऐसी बहुत सारी जगहें मिलेंगी छोटी छोटी जो आप पूरे बोटानिकल गार्डन में एक्सप्लोर कर सकते हो। इट इज जस्ट लाइक अ गार्डन सफारी जो आप इसमें कर सकते हो बट अपनी गाड़ी से। जी हाँ, अगर आपके पास गाड़ी या बाइक है तो आप वो लेके अंदर जा सकते हो पूरी फैमिली के साथ और पूरी सफारी करते हुए पूरा बोटानिकल गार्डन देख सकते हो। अगर आप गाड़ी के साथ दो जने जा रहे हैं तो आपकी फीस सिर्फ ₹140 की होगी और इस जगह को घूमने में आपको पूरा दिन भी लग सकता है। खाना पीना साथ लेकर भी आ सकते हो, पिकनिक मनाओ अंदर, पूरा घूमते फिरते रहो, एंजॉय करो पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
जी हाँ, ये स्टेट बोटानिकल गार्डन भी नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क की तरह एक नेचुरल ब्यूटी का बहुत ही सटीक एग्जांपल है। 75 हेक्टेयर में फैला ये बोटानिकल गार्डन टूरिस्ट को बहुत सारी चीजें ऑफर करता है। वैसे तो ये बोटानिकल गार्डन बनवाया गया था 1963 में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन 2006 में इसकी बागडोर दे दी गई नंदनकनन को, और तभी से ये स्टेट बोटानिकल गार्डन एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। आज भी अगर आप स्टेट बोटानिकल गार्डन जाएंगे तो आपको वहाँ कुछ न कुछ बनता हुआ जरूर दिखेगा। स्टेट बोटानिकल गार्डन को लगातार टूरिस्ट के लिए बेहतर बनाया जा रहा है। स्टेट बोटानिकल गार्डन की टाइमिंग है सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और यहाँ पे एक जने की एंट्री फीस है 20 रुपए और एक गाड़ी की एंट्री फीस है 100 रुपए। अब चौथे पार्ट में हम जानेंगे बरबिल और उसके आसपास के अट्रैक्शंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 26 मुर्गा महादेव वाटरफॉल्स। गाइस, अगर उड़ीसा में आपको समझ ना आए कि आपको कौन सी जगह देखनी है तो आप आंख बंद करके उड़ीसा की नेचुरल ब्यूटी देखने जरूर चले जाएं। ऐसे ही उड़ीसा की नेचुरल ब्यूटी में से एक है उड़ीसा के वाटरफॉल्स, और उन वाटरफॉल्स में सबसे बढ़िया वाटरफॉल है मुर्गा महादेव वाटरफॉल। जी हाँ, उड़ीसा के केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में बसा है मुर्गा महादेव वाटरफॉल, जहाँ एक वाटरफॉल होने के साथ साथ शिव जी का मुर्गा महादेव टेम्पल भी स्थित है। जब भी आप ये वाटरफॉल और ये मंदिर देखने जाएंगे, आपको उड़ीसा के डेंस फॉरेस्ट, उसकी नेचुरल ब्यूटी, उसकी साफ हवा और उड़ीसा की असली सुंदरता दिखेगी, इसीलिए ये वाटरफॉल मिस करना नहीं बनता। वैसे तो मुर्ग महादेव वाटरफॉल्स आप पूरे साल कभी भी घूम सकते हैं, लेकिन इस वाटरफॉल को घूमने का सबसे सही समय माना जाता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का, जब इस वाटरफॉल का पानी भरपूर तरीके से बहता है। मुर्ग महादेव टेम्पल कभी भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है। नंबर 27 बड़ा घाघरा वाटरफॉल। गाइस, हमारी उड़ीसा की अगली जगह है बड़ा घाघरा वाटरफॉल। अगर आपको उड़ीसा की एक और सुंदर जगह देखनी है, नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करनी है, तो उड़ीसा के केंदुझर डिस्ट्रिक्ट के पास तकरीबन वहाँ से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है बड़ा घाघरा वाटरफॉल। इस वाटरफॉल की हाइट है तकरीबन 60 मीटर। जी हाँ, 60 मीटर की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है और ये नजारा बहुत ही जबरदस्त है। ये आपको उड़ीसा में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस वाटरफॉल की एक और सबसे खास बात है कि यहाँ पर पानी कभी खत्म नहीं होता, पूरे साल ये वाटरफॉल चलता रहता है। बड़ा घाघरा वाटरफॉल के चारों तरफ जो घना जंगल है वो इस वाटरफॉल की खूबसूरती और भी बढ़ा देता है, और क्योंकि इस वाटरफॉल में पानी कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर एक डैम बना दिया गया है ताकि उसका फायदा लोगों को मिलता रहे। बड़ा घाघरा वाटरफॉल की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 28 साना घाघरा वाटरफॉल। हमारी अगली जगह है सन घाघर वाटरफॉल। सन घाघर वाटरफॉल जो की उड़ीसा के केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसका लिटरल मतलब है स्मॉल वाटरफॉल। जी हाँ, जिसमें सन का मतलब होता है स्मॉल और घाघर का मतलब होता है वाटरफॉल, तो एक छोटा वाटरफॉल है जिसका नाम है सन घाघर। ये जगह यहाँ के नेशनल हाईवे पे खंडर में पड़ती है, और यहाँ सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत दूर दूर से देखने आते हैं इस जगह। मचकंदा रिवर का ये वाटरफॉल एक बहुत ही सुंदर नजारा बनाता है टूरिस्टों के लिए देखने के लिए। ये वाटरफॉल तकरीबन 100 फीट ऊंचा है, और जहाँ पर इसका पानी गिरता है वहाँ पर एक छोटा सा पूल बन चुका है, जो कि यहाँ के टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त साइट। सन घाघरा वाटरफॉल पे आप सिर्फ वाटरफॉल ही नहीं बाकी और भी चीजें एंजॉय कर सकते हैं, जो कि यहाँ के टूरिस्ट के लिए बना दी गई हैं, जैसे कि यहाँ का एक स्पेशियस गार्डन, यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। बहुत सारे रंग बिरंगे पौधे इस वाटरफॉल के आसपास के गार्डन में लगा दिए गए हैं, और अलग अलग जानवरों के स्कल्पचर्स जैसे मंकी, टाइगर और डियर के स्कल्पचर्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सन घाघरा वाटरफॉल्स की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। अब पांचवें पार्ट में हम जानेंगे बाराहपड़ी और उसके आसपास के अट्रैक्शंस के बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 29 सिंपली फल नेशनल पार्क। गाइस, हमारे उड़ीसा की अगली जगह है सिंपली फल नेशनल पार्क। इस जगह को सिंपली फल टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। ये पूरा पार्क मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का एक पार्ट है, जो कि डिवाइडेड है 3 अलग अलग पार्ट में, जिसमें सबसे पहला पार्ट है सिंपली फल टाइगर रिजर्व, हदगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिंपली फल नेशनल पार्क को अपना नाम मिला है इस बात से कि इस एरिया में रेड सिल्क के काफी सारे पेड़ पाए जाते थे, उसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा है। इस जगह पे जो जानवर पाए जाते हैं वो है यहाँ के बंगाल टाइगर, यहाँ का एशियन एलिफेंट और चौसिंगा। 2,750 किलोमीटर स्क्वायर में फैला ये सिंपली फल नेशनल पार्क पुराने जमाने में रॉयल्टीज के शिकार करने की जगह हुआ करती थी। फिर इसे 1979 में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद 1980 में यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने 303 स्क्वायर किलोमीटर का एक नेशनल पार्क इसमें ऐड किया, और 2009 में यूनेस्को ने इस नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट में ऐड कर दिया था। सिंपली फल नेशनल पार्क में आपको दो मेजर वाटरफॉल भी दिखेंगे, जिसमें सबसे पहला है झुरोदा वाटरफॉल, जो कि है तकरीबन 121 मीटर ऊंचा, और दूसरा है बरहई वाटरफॉल, जो कि है तकरीबन 217 मीटर ऊंचा। सिंपली फल नेशनल पार्क पूरे दिन खुला होता है एक्सेप्ट रेनी सीजन के, और यहाँ की एंट्री फीस है 100 रुपए पर पर्सन की। नंबर 30 ज्वालामुखी टेम्पल। उड़ीसा में हमारी अगली जगह है उड़ीसा का फेमस ज्वालामुखी टेम्पल। ज्वालामुखी टेम्पल माता सती के 52 शक्ति
पीठों में एक शक्ति पीठ है ज्वालामुखी टेम्पल जो की है उड़ीसा में, जहाँ कहा जाता है की सती जी का जलता हुआ मुख आके गिरा था और आज भी यहाँ पे नीली कलर की एक ज्वाला जल रही है जो की कंटिन्यूअसली जलती रहती है और किसी को नहीं पता ये क्यों जलती रहती है। उड़ीसा का ज्वालामुखी टेम्पल एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जहाँ पे नवरात्रों में और दुर्गा पूजा के समय सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। ये ज्वालामुखी टेम्पल तकरीबन 300 से 600 साल पुराना है और इसकी मूर्ति बनी है प्योर गोल्ड सोने की जो कि तोहफे में दी गई थी मुगल एम्परर अकबर के द्वारा। उड़ीसा के ज्वालामुखी मंदिर में मेला लगता है साल में दो बार, पहला चैत्रा नवरात्रों के समय और दूसरा अश्विन नवरात्रों के समय। ये 300 से 400 साल पुराना मंदिर है जहाँ पर भक्तजन आकर ज्वाला कुंड में अपनी भेंट चढ़ाते हैं। ज्वालामुखी मंदिर उड़ीसा के मयूरभंज इलाके के पास पड़ता है जो कि पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 31 जगन्नाथ टेम्पल बारीपाड़ा। गाइस उड़ीसा में हमारी अगली जगह है जगन्नाथ टेम्पल बारीपाड़ा। जी हाँ, उड़ीसा के बारीपाड़ा एरिया में भी एक जगन्नाथ मंदिर है जो कि हरिबल देव टेम्पल नाम से भी मशहूर है। ये टेम्पल बनवाया गया था 16वीं सदी में भैरदेनाथ भंज जी के द्वारा। इस मंदिर को एक बहुत ही मोटी दीवार ने चारों तरफ से गोल आकार में घेर रखा है जैसे कि पुरी के जगन्नाथपुरी टेम्पल में भी है। और उसी मंदिर की तरह बारीपाड़ा जगन्नाथ मंदिर भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें सबसे पहला है विमान, दूसरा है भोज मंडप, तीसरा है नाट्य मंडप और चौथा है यज्ञ मंडप। यह मंदिर तकरीबन 85 फुट ऊंचा है जो कि बनवाया गया था 1575 AD में। हालांकि इस मंदिर की दीवारों पे जो इंस्क्रिप्शन किए गए हैं उससे यह पता चलता है कि 1497 में साका एरा के समय बैद्यनाथ भंज ने यह मंदिर बनवाया था। बारीपाड़ा जगन्नाथ मंदिर में जाने की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 32 मयूरभंज पैलेस। अगली जगह है उड़ीसा का मयूरभंज पैलेस। जी हाँ, मयूरभंज पैलेस जो कि उड़ीसा के बारीपाड़ा इलाके में पड़ता है। कहते हैं ये आजादी से पहले एक अलग राज्य हुआ करता था के राजा मयूरभंज जी थे। फिर आजादी के बाद 1949 में इसे उड़ीसा से मिला दिया गया। आज के समय मयूरभंज पैलेस एक बुटीक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है लेकिन इस पैलेस का मोस्ट ऑफ द हिस्सा आज के समय भी बंद पड़ा है और वहाँ पे जाने की किसी को इजाजत नहीं है। पैलेस बनवाने की शुरुआत की थी महारानी सुमित्रा देवी जी ने 1804 में और आज ये पैलेस उड़ीसा के टॉप अट्रैक्शन में से एक है। महाराजा मयूरभंज की विरासत है मयूरभंज का ये पैलेस जो कि आजादी से पहले ब्रिटिश राज का हिस्सा माना जाता था और जो कि थी बारीपाड़ा की कैपिटल स्टेट। इस पैलेस को बनवाने का सबसे पहला आदेश दिया था महारानी सुमित्रा देवी जी ने 1804 में। हालांकि ये पैलेस बन के कम्प्लीट हुआ था महाराणा प्रताप चंद्र के राज में जिन्होंने राज किया था 1928 से लेकर 1948 तक। इस पैलेस का सामने वाला हिस्सा आपको लंदन के बकिंगम पैलेस की भी याद दिलाएगा। मयूरभंज पैलेस आज के समय में एक 5-स्टार होटल है जिसको आप देख सकते हैं वहां पर होटल की बुकिंग करके। अब छठे और आखिरी पार्ट में हम जानेंगे उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर और उसके आसपास के अट्रैक्शंस के बारे में जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 33 उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स। तो गाइस हमारी अगली जगह है भुवनेश्वर के सबसे फेमस अट्रैक्शन और ये सबसे फेमस अट्रैक्शन का नाम है उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स। ये केव्स जिस पहाड़ी पे बसे हैं उनको ट्विन हिल बोला जाता था क्योंकि वो दिखने में एक जैसे लगते थे जिसका पहले नाम कुमार और कुमारी हुआ करता था। खांडगिरी में तकरीबन 15 केव्स हैं जिसमें केव नंबर 3 सबसे ज्यादा मशहूर है, उसी की कार्विंग देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हालांकि अंदर जाने के बाद आप यहाँ केव्स के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे और उन्हें सिर्फ बाहर से ही देख पाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको बंदर और लंगूरों का पूरा प्रकोप दिखेगा तो उनसे पूरा बच के रहे। ये केव सबसे पहले नोटिस में आए थे ए स्टर्लिंग के 1825 में जो कि माना जाता है कि बनवाए गए थे 1st century में। इन केव्स के अंदर आपको लिया इंस्क्रिप्शन मिलेगा जो कि माना जाता है कि खोदा गया था खारवेला डायनेस्टी के द्वारा जैन मॉन्क्स के लिए। खांडगिरी केव से आपको भुवनेश्वर का भी एक बहुत ही बेहतरीन व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि उदयगिरी का मतलब है द केव्स ऑफ सनराइज यानी कि सूर्य उदय के केव्स और यहीं पे रानी गुफा यानी कि क्वीन केव सबसे बड़े केव्स माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जगह एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। इस केव के अंदर आपको बहुत ही सुंदर नृत्य करते हुए स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे जिसमें उदयगिरी के अंदर हाथी गुफा और गणेश गुफा सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पे हाथी गुफा के अंदर आपको खारावेला के राजा की सल्तनत के काफी सारे स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे। उदयगिरी और खांडगिरी केव्स की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ की एंट्री टिकट है 50 रुपए पर पर्सन की। नंबर 34 बिजू पटनायक पार्क। पहले इस पार्क को फॉरेस्ट पार्क बोला जाता था लेकिन बाद में इसका नाम बदल के कर दिया गया बिजू पटनायक जो कि उड़ीसा के फॉर्मल चीफ मिनिस्टर विजय आनंद पटनायक के नाम पे रखा गया है जिन्हें बिजू पटनायक के नाम से जाना जाता है। ये पार्क तकरीबन 23 एकड़ में फैला है और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर की प्राइम लोकेशन पे है ये पार्क बापूजी नगर में। भुवनेश्वर की सबसे प्राइम लोकेशन बापूजी नगर में स्थित है बिजू पटनायक पार्क। बिजू पटनायक जी जो कि उड़ीसा के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उन्हीं के नाम पे बिजू पटनायक पार्क का नाम रखा गया है। इस पार्क में आपको एंशियंट कलाकृति भी देखने को मिलेगी और देखने को मिलेगी मॉडर्न आर्ट। इस पार्क का नाम पहले फॉरेस्ट पार्क
पार्क हुआ करता था, फिर 2002 में इस पार्क का नाम बदल के रख दिया गया बिजू पटनायक पार्क, जो कि उड़ीसा के एक लेजेंडरी लीडर थे। बिजू पटनायक जी का उड़ीसा को डेवलप करने में जो योगदान है वो किसी सोने से कम नहीं। ये पार्क तकरीबन 23 एकड़ के एरिया में फैला है और इस पार्क में आने के बाद आपको डेफिनेटली रिलैक्सेशन होगी। इसी पार्क में आपको बोटिंग फैसिलिटी, म्यूजिकल फाउंटेन और एक एक्टिविटी सेंटर भी मिलेगा। बिजू पटनायक पार्क की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 35, धौली शांति स्तूपा। गाइस ये है हमारी अगली जगह, इस जगह का नाम है धौली शांति स्तूपा। इस स्तूपा को बनवाया गया था जापानी स्तूपा संघ के द्वारा और कलिंगा निपुण स्तूपा संघ के द्वारा 1970s के आसपास। शांति स्तूपा को पीस पकौड़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में जहाँ भी पीस पकौड़ा बनते हैं उसका मतलब ये है कि वो पीस और सिंप्लिसिटी के साक्षी है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है धौली शांति स्तूपा, जो कि धौली पर्वत के चोटी पे बसा है। जी हाँ, जापान बुद्ध संघ और कलिंगा निपुण बुद्ध संघ के द्वारा 1970s में बनवाया गया था धौली शांति स्तूपा, जिसे हम पीस पगोड़ा या शांति स्तूपा के नाम से भी जानते हैं। इस स्तूपा को बनवाने के लिए असिस्ट किया था पूजी गुरुजी ने, इसीलिए ये जगह पूजा करने के लिए और ध्यान लगाने के लिए हमारी आज की और फ्यूचर जनरेशंस की एक बेहतरीन जगह बन चुकी है। यहाँ आपको अलग अलग तरीका के स्तूपा और चैत्यास देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे वो पिलर्स भी देख सकते हैं जिसकी फाउंडेशन रखी थी खुद राजा अशोका ने। ऐसा माना जाता है कि राजा अशोका शांति, खुशी, कमिटमेंट और ध्यान प्रमोट करने के लिए पूरे विश्व भर में घूमे थे, और इसीलिए वह पूरे विश्व में जैन धर्म और बुद्ध धर्म फैला रहे थे। धौली शांति स्तूपा की टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक, और यहाँ आने की कोई एंट्री फीस नहीं है। नंबर 36, लिंगराज मंदिर। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे पूजा की जाती है त्रिम्बुबेश्वर महाराज की, जिसका मतलब है तीनों लोगों के स्वामी। ये मंदिर 4 बिल्डिंग्स में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे बड़ी बिल्डिंग को बोलते हैं विमाना, दूसरे को बोलते हैं नित्य मंडप, तीसरे को बोलते हैं भोज मंडप और चौथा है यज्ञ मंडप। ये मंदिर चारों तरफ से एक बहुत ही मोटी दीवार से घिरा हुआ है और इसकी एंट्री सिर्फ एक ही जगह से होती है, जहां पर आप जूते और मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकते। हालांकि इस मंदिर के अंदर 50 और भगवानों के मंदिर हैं, छोटे छोटे श्राइन्स बने हुए हैं जिसके दर्शन आप लिंगराज मंदिर में कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर जो है 11वीं सदी में बनवाया गया था जजाति केसरी द्वारा, जो कि थे सोमवशी डायनेस्टी के। ये मंदिर इतना पुराना और प्रसिद्ध है कि इसको अगर आपने मिस कर दिया भुवनेश्वर में, तो आपने भुवनेश्वर की सबसे मेन जगह मिस कर दी। जी हाँ, भुवनेश्वर का सबसे पुराना और सबसे भव्य मंदिर है लिंगराज मंदिर, जो कि डेडिकेटेड है त्रिभुवनेश्वर को। इसका मतलब है तीनों लोकों के स्वामी। इस मंदिर में भी आपको पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर की स्ट्रक्चर की तरह 4 स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसमें है भोग मंडप, नाट्य मंडप, यज्ञशाला और विमान। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर बनवाया गया था 11वीं सदी में। हालांकि यहाँ पे शांभू शिवलिंग की पूजा की जाती है तकरीबन 7वीं सदी से। माइथोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पहले ब्रह्म पुराण की पूजा हुआ करती थी। इसीलिए इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर हिंदुइज्म के 2 मेजर बिलीफ्स को जोड़ता है, जिसमें आते हैं शिवजी और विष्णु जी। इस मंदिर की ऊंचाई है तकरीबन 54 मीटर्स, जो कि कालिंगा स्टाइल में बना हुआ है। लिंगराज मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 37, अनंत वासुदेवा टेम्पल। भुवनेश्वर में कुछ ही मंदिर ऐसे हैं जो अनंत वासुदेव जी की पूजा करते हैं, और ये मंदिर उनमें से एक है। इस मंदिर में पूजा होती है वासुदेव जी की यानी कि कृष्ण जी की, अनंत जी की यानी कि बलराम और सुभद्रा जी की। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ का किचन। यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता है, भोग बनाया जाता है, जो कि 56 तरीके का बनाया जाता है और लोगों में दान किया जाता है इसके बगल वाले किचन से, जो बिल्कुल इसके साइड बाय साइड है। अनंत वासुदेव टेम्पल में आपको बहुत कम ही भीड़ मिलेगी, लेकिन यहाँ दर्शन करने के बाद आपका मन जरूर शांत होगा, इसलिए अनंत वासुदेव टेम्पल जरूर आए। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनवाया था 13वीं सदी में रानी चंद्रिका देवी ने, जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, लेकिन उससे पहले से ही इस जगह पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 17वीं सदी में मराठास ने इस मंदिर को रेनोवेट कराया, जिन्होंने अपनी डायनेस्टी उड़ीसा तक फैला ली थी। हिंदुओं के सबसे पॉपुलर त्यौहार जन्माष्टमी में इस मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, और यहाँ अनंत वासुदेव टेम्पल पे सेलिब्रेट किया जाती है जन्माष्टमी। उस समय इस मंदिर में काफी भीड़ होती है और यहाँ के किचन में बटता है महाप्रसाद, जिसे हम अभार नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह प्रसाद बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से यहाँ के किचन में बनाया जाता है, और जिसमें आज भी वह प्रसाद कोयले और मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह प्रसाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर के आनंदा बाजार के प्रसाद के जैसा ही लगता है। अनंत वासुदेव टेम्पल की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 38, मुक्तेश्वर टेम्पल। गाइस हमारी अगली जगह है ये, इस जगह का नाम है भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर। भुवनेश्वर के कई बड़े मंदिरों में से एक है ये मुक्तेश्वर मंदिर। इस मंदिर को बनवाया था राजा ययाति ने, जो कि थे सौम्यवंशी
डायनेस्टी के। कहते हैं इस मंदिर के अंदर एक मारीची कुंड भी है और अगर किसी भी स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसा माना जाता है कि इस मारीची कुंड में आके वो स्नान करे तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मुक्तेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है इसका आर्क शेप्ड दरवाजा जो कि यहाँ पे किसी और मंदिर में नहीं देखा जाता, इसलिए मुक्तेश्वर मंदिर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से एक इम्पोर्टेंट जगह है देखने के लिए। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर के परशुरामेश्वरम और लिंगराज मंदिर के बगल में पड़ने वाला एक बहुत ही भव्य और यूनिक मंदिर है। 35 फुट लंबा यह मंदिर पूरी तरह से लाल सैंडस्टोन से बना है। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसका आर्क शेप दरवाजा जो कि आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यह मंदिर कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल में बनवाया गया है और इसे जेम ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। इस मंदिर का कंपाउंड एक ऑक्टागोनल शेप का है जिसमें आपको डायमंड शेप्ड विंडोज, प्राचीन जमाने की कलाकृतियां और कलिंगा डायनेस्टी की झलक देखने को मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनवाया था राजा ययाति ने जो कि सोमावामशी डायनेस्टी के थे। मुक्तेश्वर मंदिर की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 39 बिंदु सागर लेक। गाइस हमारी अगली जगह है भुवनेश्वर का ये बिंदु सागर लेक। बिंदु सागर लेक भुवनेश्वर के सबसे बड़े लेकों में से एक है और माना जाता है कि ये जगह शिवजी ने खुद बनाई थी। जब पार्वती जी को प्यास लगी थी तो उनकी प्यास बुझाने के लिए शिवजी ने इस लेक का निर्माण किया था। ये लेक पड़ता है भुवनेश्वर के सबसे बड़े मंदिर लिंगराज महादेव मंदिर के पास और ऐसा कहते हैं कि ऐसे 8 अलग अलग लेक स्ट्रेटेजिकली इस मंदिर के आसपास बनाए गए हैं जो कि इस मंदिर की शोभा और बढ़ा देते हैं। बिंदु सागर लेक या फिर बिंदु सरोवर उड़ीसा के सबसे पूजनीय झीलों में से एक झील है। ऐसा माना जाता है कि भूतकाल में भुवनेश्वर में 17 झीलें हुआ करती थी और उसमें से सबसे प्रसिद्ध थी बिंदु सरोवर। ये सरोवर भुवनेश्वर में आपको लिंगराज मंदिर के बगल में स्थित मिलेगा और ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में पानी है भारत के कई सारी पवित्र झीलों का। ऐसा भी माना जाता है कि इस झील को स्वयं भगवान शिव ने बनवाया था अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए। ऐसा माना जाता है कि अशोक अष्टमी के दिन बिंदु सागर में स्नान करके अगर आप लिंगराज मंदिर के दर्शन करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये लेक 1300 फीट लंबा और 700 फीट चौड़ा है और इसके चारों तरफ आपको कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। इस लेक के बिल्कुल बगल में आपको देखने को मिलेगा भुवनेश्वर का अनंत वासुदेवा मंदिर। बिंदु सागर लेक पूरे दिन खुला होता है और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 40 स्कॉन टेंपल। तो गाइस हमारी अगली जगह है भुवनेश्वर का स्कॉन टेंपल। जी हां, भुवनेश्वर का ये स्कॉन टेंपल बनवाया गया था 1991 में स्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा। इस स्कॉन टेंपल की सबसे खास बात यह है कि इस स्कॉन टेंपल को देखने से ऐसा लगता है कि कमल के फूल की तरह शेप है इसका जो कि खिलता हुआ कमल का फूल लगता है और यही इसकी सबसे सुंदर बात है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को जगन्नाथ मंदिर में जाने की एंट्री नहीं है वो जगन्नाथ जी के दर्शन यहां आके भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पर भी अंदर जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी के दर्शन हो सकते हैं। भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन से तकरीबन 6.5 किलोमीटर दूर स्थित है भुवनेश्वर का स्कॉन टेंपल। अगर स्कॉन टेंपल को भुवनेश्वर का सबसे सुंदर मंदिर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस मंदिर को बनवाया था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ने 1991 में। कहते हैं कि इस मंदिर का एक ही लक्ष्य है, लोगों को भक्ति की भावना सिखाना। सफेद पत्थर से बना यह स्कॉन टेंपल स्कॉन मूवमेंट की आइडियोलॉजी दिखाता है। इस मंदिर में हर शाम कीर्तन, भजन और पूजा की जाती है जिससे जुड़ने दूर दूर से लोग यहां आते हैं। भुवनेश्वर के स्कॉन टेंपल में काफी सारे वैष्णव त्योहारों को भी सेलिब्रेट किया जाता है। स्कॉन मंदिर की टाइमिंग है सुबह 4 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 41 रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। गाइस भुवनेश्वर में हमारी अगली जगह है ये। इस जगह का नाम है रीजनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री। इंडिया के ईस्ट पार्ट की तरफ ये सबसे बढ़िया और सबसे रिच म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री है। सिर्फ फौना यानी कि जानवरों के ही नहीं बल्कि यहाँ पे फ्लोरा यानी कि प्लांट्स की भी काफी सारी वैरायटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इस म्यूजियम को बनवाया गया था 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा और उसके 10 साल बाद 2004 में इसको आम जनता के लिए खोला गया। अपनी तरह का एकमात्र म्यूजियम है रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इस म्यूजियम में आपको भारत की रिच बायोडायवर्सिटी देखने का मौका मिलेगा जिसमें आपको कई सारे जानवर, फूल, पेड़ और पौधे भी देखने को मिलेंगे जो कि हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, अंडमान निकोबार आइलैंड से और अफ्रीका के मैडागास्कर आइलैंड से। ये म्यूजियम आपको एक ही छत के नीचे ईस्टर्न भारत के सबसे बड़े फ्लोरा एंड फौना इकोसिस्टम को दिखाता है। इस म्यूजियम को लोगों के लिए खोला गया था 2004 में और यहाँ पर्यटक आके देख सकते हैं यहाँ की प्लांट्स की कलेक्शन, इंसेक्ट्स, अलग अलग जानवरों के कंकाल, पूरी दुनिया से ली गई अलग अलग स्पीशीज की फोटोज और भुवनेश्वर की जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इस जगह पर आप विलुप्त हो चुकी एलिफेंट बर्ड का अंडा भी देख सकते हैं। अगर आपको अपने पर्यावरण से प्यार है और आप अपने पर्यावरण के अद्भुत चमत्कारों को देखना चाहते हैं तो
आप आ सकते हैं भुवनेश्वर का रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। RMNH की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। नंबर 42 64 योगिनी टेम्पल। गाइज हमारी अगली जगह है भुवनेश्वर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बसा 64 योगिनी मंदिर। ये एक मंदिर होने के साथ साथ एक हेरिटेज साइट भी है। इस मंदिर में पूजा की जाती है दुर्गा जी के 64 योगिनी यानी कि 64 इनकार्नेशन की, जिसमें इस मंदिर में है देवी महामाया जो कि इन 64 रूपों में से एक रूप माना जाता है। 64 योगिनी मंदिर एक मंदिर होने के साथ साथ एक हिस्टोरिकल साइट भी है जो कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज की जाती है। भुवनेश्वर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हीरापुर में पड़ता है 64 योगिनी मंदिर। दुनिया के 4 64 योगिनी मंदिरों में से एक है भुवनेश्वर का 64 योगिनी मंदिर, जिसमें से बाकी 3 लोकेटेड है भारत में अलग अलग जगह, जिसमें दूसरा वाला है भोलागिर उड़ीसा में और तीसरा और चौथा है मध्य प्रदेश में। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आप दुर्गा के 64 रूप देख पाएंगे, जिसमें से भुवनेश्वर वाले मंदिर में पूजा की जाती है महामाया माता की। इसी वजह से इस जगह का नाम महामाया मंदिर भी रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर बनवाया था रानी हीरा देवी ने, जो कि भामाकर डायनेस्टी की थी, और इस मंदिर को बनवाया गया था 9th सेंचुरी में। हालांकि उसके बाद यह मंदिर ज्यादा फेमस नहीं रहा, लेकिन 1953 में केदारनाथ महोपात्रा ने इस मंदिर की ग्लोरी वापस ले आए। हर साल दिसंबर में इस जगह पर 64 योगिनी महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें बहुत सारे भक्तजन 64 योगिनी मंदिर के दर्शन करने आते हैं। आज के समय यह जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन की जाती है, जिसका डिजाइन आपको कलिंगा स्टाइल में बना हुआ दिखेगा। भार्गवी रिवर के बगल में यह मंदिर सिर्फ 8 फुट ऊंचा है और इस मंदिर की एंट्रेंस इतनी छोटी है कि आपको झुक के इस मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। 64 योगिनी मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और यहां आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 43 परशुरामेश्वरम टेम्पल। गाइज हमारी अगली जगह है ये, इस जगह का नाम है परशुरामेश्वरम टेम्पल। भाई भुवनेश्वर का बहुत ही पुराना 7वीं सेंचुरी का टेम्पल है परशुरामेश्वरम टेम्पल। इस टेम्पल के दो पार्ट है, मेन इसका विमाना जो मेन टेम्पल है और दूसरा है जगमोहन, जहाँ पे बैठ के आप पूजा कर सकते हैं। ये टेम्पल कलिंगा डायनेस्टी आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस टेम्पल को बनवाया था 7वीं सदी में, लेकिन 19th सेंचुरी में इसमें एक मेजर चेंज किया गया, जिस वजह से आज ये टेम्पल ऐसा दिखता है जैसे ये है। इस टेम्पल की सबसे खास बात है इसके 100 शिवलिंग जो इसके नॉर्थ पार्ट में है, और इस टेम्पल के कलाकृति में ही शिव जी को तांडव करते हुए दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग फॉर्म ऑफ डांस को कर रहे हैं। इतिहासकारों की माने तो यह मंदिर बनवाया गया था 7वीं सदी में तकरीबन 650 AD के दौरान, जिसे बनवाया था माधव राजा द्वितीय ने, जो कि थे शैलोद भावा डायनेस्टी के। फिर 1903 में इस मंदिर को रेनोवेट कराया गया और इस मंदिर के अंदर से इसकी रूफ और अंदर का डिजाइन बदला गया। परशुरामेश्वरम मंदिर एक उड़िया आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड बिल्डिंग है, जिसमें आपको दो मेन बिल्डिंग दिखेंगी, जिसमें सबसे पहला है विमाना और दूसरा है जगमोहन। हालांकि इस मंदिर का जो प्रेयर हॉल है, जिसे हम जगमोहन कहते हैं, वो एक रेक्टेंगुलर शेप का हॉल है। इस मंदिर के एंट्रेंस और बाहर की तरफ आपको काफी सारी नकाशियों के दर्शन करने को मिलेंगे, जिसमें भगवान गणेश और माँ दुर्गा भी शामिल हैं। परशुरामेश्वरम मंदिर की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ आना बिल्कुल फ्री है। नंबर 44 केदार गौरी टेम्पल। गाइस हमारी अगली जगह है भुवनेश्वर का फेमस केदार गौरी मंदिर। केदार गौरी मंदिर जहाँ पर दो भगवानों की पूजा की जाती है, सबसे पहले हैं केदार जी जो कि हैं शिव जी, और दूसरी हैं गौरी माता जो कि हैं पार्वती जी। इसके अलावा इस मंदिर के अंदर 3 और मंदिर हैं, जिसमें हनुमान जी, गणेश जी और दुर्गा जी के भी मंदिर हैं, जिनकी पूजा आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक खीरा कुंड भी मिलेगा, कहते हैं उसमें स्नान करने के बाद आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। और ये मंदिर भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर के बगल में है, और मुक्तेश्वर मंदिर में भी मारीची कुंड है, कहते हैं उसमें नहाने के बाद आपको संतान की प्राप्ति का सुख भी मिलता है। केदार गौरी मंदिर भुवनेश्वर का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के बारे में काफी सारी लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसमें सबसे पहले ये माना जाता है कि केदार और गौरी नाम के युवक और युवती आपस में प्यार करते थे, लेकिन उनके गांव वाले इस प्यार के खिलाफ थे, तो उन्होंने भागकर इस जगह पे आके शरण ली, जहां पर आज केदार गौरी मंदिर है। एक दिन गौरी को भूख लगी और केदार उनके लिए शिकार करने गए थे, जहां पर वो खुद शेर का शिकार बन गए। यह जान के गौरी ने पास वाले कुंड में कूद के अपनी जान दे दी। इस बात का पता जब वहां के राजा लाला टेंडू केशरी को चला, तब उन्होंने उनके नाम पे यहाँ पे केदार गौरी का मंदिर बनवा दिया। कुछ लोगों के हिसाब से ये भी माना जाता है कि यहाँ पे खुद भगवान शिव और माता पार्वती आए थे वाराणसी से आराम करने, और तब से यहाँ पे केदार गौरी मंदिर की स्थापना हुई। यह मंदिर भी आपको कलिंगा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल में बना दिखेगा। केदार गौरी मंदिर पूरे दिन खुला होता है और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है। नंबर 45 श्री राम मंदिर। भुवनेश्वर का श्री राम मंदिर यहाँ के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक है। वैसे तो ये मॉडर्न आर्किटेक्चर बनाया है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये मंदिर एक एशियन आर्किटेक्चरल मंदिर है। इस मंदिर के अंदर आपको दर्शन होंगे राम दरबार के, यानी कि श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के, और साथ ही में आप दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के। ये मंदिर एक ट्रस्ट ने बनवाया था और आज भी वही ट्रस्ट इस मंदिर की देखरेख करता है। इस मंदिर में कुछ त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि रामनवमी और दीपावली। इस मंदिर में जाने की कोई फीस नहीं है, और अगर आपको अलग अलग मंदिर एक्सप्लोर करने का मन करे तो भुवनेश्वर के राम
मंदिर जरूर आएं। द टेंपल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर का दूसरा नाम और उसी भुवनेश्वर का सबसे सुंदर मंदिर है श्री राम मंदिर। इस मंदिर में आपको दर्शन होंगे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के। यह मंदिर एक मॉडर्न स्ट्रक्चर मंदिर है जो काफी भव्य और सुंदर है। यह मंदिर एक प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया है जिसमें श्री राम के साथ आपको भगवान शिव, हनुमान जी और बाकी सारे भगवानों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। इस मंदिर में मनाए जाने वाले त्यौहार है रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दशहरा और विवाह पंचमी। श्री राम मंदिर में आपको मंदिर के कंपाउंड में एक छोटा सा कुआं और गार्डन कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलेगा। श्री राम मंदिर की टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक की और यहां आना बिल्कुल फ्री है। इन सारे जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल मैप्स के लिंक पे मिलेगी, जिसे क्लिक करके आप गूगल मैप्स इन सब जगहों के एग्जैक्ट लोकेशन भी देख सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी उड़ीसा की टॉप प्लेसेस टू विजिट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो शेयर करें या फिर हमारा ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन क्लिक करके आप हमें हेल्प भी कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई सवाल रह जाता है तो हमारे कमेंट्स में लिखें या फिर रिटर्न करें हमारा लाइव सेशन जो कि होता है हर सैटरडे। हम कोशिश करते हैं कि अपने कमेंट में दिए गए हर सवाल का जवाब जरूर दें, या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। इसी के साथ साथ हमने टॉप प्लेसेस टू विजिट इन भुवनेश्वर, पुरी और कटक की एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, जिसके अलावा आपको हमारे चैनल पे इन सब जगहों की कंप्लीट ट्रेवल गाइड भी मिलेगी। ये सारी वीडियोस आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो